झुंझुनू के बुहाना सीओ कार्यालय तथा पचेरी कला थाने का एएसपी वीरेंद्र मीणा ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान बुहाना सीओ को उन्होंने गत दिनों बस से हुई तोड़फोड़ मामले में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इसके बाद एएसपी मीणा पचेरी कला थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसएचओ गोपाल सिंह के साथ पुराने लंबित मामले को लेकर चर्चा की और कहा कि हरियाणा बॉर्डर होने के नाते इस थाने की जिम्मेदारियां ज़्यादा है। अब न केवल क्राइम की दिशा में बल्कि कोरोना को सोचकर भी जिम्मेदारियां निभानी हैं। उन्होंने थाने का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे। व्रत कार्यालय बुहाना व थाना पचेरी का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें दोनों जगह पर रख रखाव और साफ सफाई अच्छी पाई गई। इसके अलावा क्षेत्र में बदमाशान द्वारा पिछले दिनों में घटनाएं जो की गई हैं, बस के ऊपर तोड़फोड़ और मारपीट, उसमें 5 मुलजिम तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 5-6 और शेष बचे हुए हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार करने के संबंध में चर्चा की गई। इसके अलावा सर्किल के महत्वपूर्ण जो पुराने प्रकरण हैं, उनके संबंध में भी चर्चा की जाकर शीघ्र बदमाशों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाएगा। क्षेत्र में शांति, अमन और सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रयास पुलिस हमेशा करती रहेगी। क्योंकि हमारा ये इलाका पूरा हरियाणा से लगता हुआ बॉर्डर इलाका है, कोरोना को भी देखते हुए काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, इसके लिए हमने 5 चेक पोस्टें लगाई हैं, जिसमें बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को टेस्ट करके और फ्री एंट्री दी जाती है, और लगातार हमारी चेकिंग जारी है।